का काम किया। बिलासपुर से बड़ी खबर है, जहां छात्र की हत्या मामले में परिजनों का प्रदर्शन देखने को मिला। साहू समाज ने कलेक्ट्रेट का घेराव किया और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। कुछ दिन पहले यश साहू की हत्या हुई थी। यूपीएससी की आप तैयारी कर रहा था यश, लेकिन इस दौरान यश की हत्या कर दी जाती है, सवाल कई उठते हैं। और कुछ दिन पहले जब यश साहू की हत्या का मामला गरमाया तो यूपीएससी परीक्षा की तैयारी कर रहा था यश साहू, और अब दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग पीड़ित का परिवार कर रहा है। छात्र की हत्या मामले में परिजनों ने प्रदर्शन किया है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, परिजनों का ये प्रदर्शन है। आसपास के लोग भी इसमें इकट्ठा हुए और साहू समाज इसमें एक ही मांग कर रहा है कि दोषियों के खिलाफ इसमें कार्रवाई की जाए। कुछ दिन पहले यश साहू की हत्या हुई थी और यूपीएससी की तैयारी कर रहा था यश, लेकिन इस दौरान उसको मौत के घाट उतार दिया जाता है, उसकी हत्या कर दी जाती है। और अब ऐसे में उन आरोपियों के ऊपर, उन हत्यारों के ऊपर कार्रवाई की मांग को लेकर के ये तेजी के साथ ये मांग उठती हुई नजर आ रही है। साहू समाज की तरफ से दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग उठाई जा रही है, और इसी को लेकर आप देख रहे हैं कलेक्ट्रेट के बाहर प्रदर्शन करते हुए नजर आते हैं परिजन। सवाल उठाते हैं, कहते हैं कि कार्रवाई इसमें जल्द से जल्द होनी चाहिए। आप उनका बेटा जो है वो यूपीएससी की तैयारी कर रहा था, लेकिन अचानक से उसको मौत के घाट उतार दिया जाता है। और ये जो हत्या होती है, इस हत्या के बाद से कई सवाल उठते हैं। साहू समाज एक साथ आ जाता है और लगातार मांग करता है कि दोषियों के खिलाफ सख्ती के साथ कार्रवाई की जा सके। रोशन वैद हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। रोशन, आप साहू समाज एक साथ एकजुट है, लगातार दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की जा रही है। जी बिल्कुल, ये 6 जून की घटना है, जब छात्र यश साहू की जो है वो हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद जो है अभी बीते दिन जो है 3 युवकों को इस हत्या के प्रयास में जो है वो गिरफ्तार किया गया था। लेकिन परिजन लगातार जो पुलिस की कार्रवाई को लेकर वो सवाल उठा रहे थे, और इसी कड़ी में जो है साहू समाज आज कलेक्टर का घेराव किया और बड़ी संख्या में वहां लोग पहुंचे हुए थे और इस छात्र की जो हत्या हुई उसके निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं। छात्र जो है यहाँ रहकर पढ़ाई कर रहा था और इस बीच जो है वो लड़की से उसका बातचीत शुरू हुआ था और ये लव ट्रायंगल की वजह से जो है वो घटना हुई थी। लेकिन जो पुलिस है वो सिर्फ 3 आरोपियों को ही हिरासत में ली है और जो है मामला जो है वो यहाँ पहुंचा हुआ था। वहीं जो है लड़की पक्ष के जो लोग हैं उनसे किसी तरीके से पूछताछ नहीं हो रही है, यही वजह है कि जो साहू समाज के लोग हैं वो कलेक्ट्रेट पहुंचे हुए हैं और अब निष्पक्ष जांच की जो है वो मांग कर रहे हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया इस पर जानकारी के लिए रोशन। फिलहाल यूपीएससी की यश जो कि तैयारी कर रहा था, जिसको मौत के घाट उतार दिया जाता है, लव ट्रायंगल का ये मामला, लेकिन इसमें पूछताछ आगे नहीं की जा रही है। इसमें अभी भी दोषियों के खिलाफ कोई बड़ा एक्शन होता हुआ नजर नहीं आ रहा है, इसीलिए ये फिलहाल मांग की जा रही है।